मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा पास्टर अंकुर नरुला जी को कि उन्होंने दिलेरी दिखाई और वास्तव में वो परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास है और वो जानते और समझते हैं, जिसकी मुझे खुशी हुई। क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इतने झूठे चमत्कार हो रहे हैं, इतनी झूठी भविष्यवाणियां हो रही हैं, और ये सब कुछ होने के बाद एक बड़ी भीड़ भी इकट्ठी हो रही है, शैतान का इतना बड़ा काम हो रहा है। क्या भारत में, नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में कोई ऐसा परमेश्वर का दास नहीं कि जो इस सच्चाई को उजागर करे, इसके बारे में कुछ बोले? लेकिन पास्टर अंकुर नरुला जी ने जो बोला उसको सुनकर मुझे बड़ी शांति महसूस हुई, अच्छा लगा। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा पास्टर अंकुर नरुला जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे हृदय को बड़ी शांति हुई कि कोई परमेश्वर का दास है जो साफ कोई लगता है स्पष्ट रूप से डिक्लेयर करता है सच्ची बातों को। सच में ये बहुत अच्छा। और क्या कहा है अंकुर नरुला जी ने, आप ध्यान से सुने। जी हाँ, और सीखे वास्तव में क्या है सच्चाई। जी हाँ, आपने किसी आत्मिक व्यक्ति को देखा, यार क्या जबरदस्त चर्च है, वाह वाह वाह, 50,000 लोग आते संडे, कैसे आते हैं? अच्छा, हीलिंग से आते हैं? चलो नकली हीलिंग करो, नकली प्रोफेसियां मारो, मेरे भी लोग बढ़े, लोग बढ़ जाएंगे, पर कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक आप गायब हो जाओगे, आपका पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही हुआ अफ्रीका में। अच्छा, क्योंकि वहां पे जेन्युइन भी हैं और फेक वाले भी। अच्छा, इतना बड़ा काम कर दिया, 4 प्लेन है इसके पास, मैं भी लेने, मुझे भी चाहिए। प्लेन प्लेन के चक्कर में अब जेल में, अगर नहीं है तो पहुंच जाए। जेन्युइन लोग लंबा जीते हैं, बुढ़ापे तक सेवा करते हैं, उनके पोतों के पोते सेवा में होते।